आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई सारे अथक प्रयास पहले भी किए गए हैं और उन्हीं प्रयासों में एक बड़ा कदम कल राजधानी लखनऊ में फिर से उठाया जाएगा और इसके गवाह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता और शायद दुनिया की जनता भी बनेगी, क्योंकि कई ऐसी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल पहुंच रही हैं और मौका है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तीसरे आयोजन का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी तैयारियां हैं और एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये है कि कुछ भी करके इस बार जो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें भारत जिसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, उसे पहले स्थान पर लाना है। उत्तर प्रदेश में जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उन्हें बढ़ाया जाए, कई ऐसी बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो व्यापार है उसको और बढ़ाने के लिए संभावनाओं को दिखाया जाए, ताकि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में निवेश हो सके और यहाँ पर रोजगार की दृष्टि को बढ़ाया जा सके, निवेश को बढ़ाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, टूरिज्म को मजबूत किया जा सके, इसको लेकर के ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बहुत अहम बताई जा रही है। कल इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर उद्योगपति जुटेंगे। बताया जा रहा है कि करीब 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश इस बार उत्तर प्रदेश में हो सकता है। ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। इसके पहले 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनियां हो चुकी हैं, जो कि 2018 और 2019 में हुई थी। 2020 और 21 में कोविड की वजह से इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन 2022 एक बार फिर से इस तरह के आयोजन का गवाह बनेगा। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहले भी 2 बार ये कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं और इस बार भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर देश विदेश की बड़ी कंपनियां, बड़ी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आमंत्रित करी गई हैं, वो इस कार्यक्रम का गवाह बनेंगी और उत्तर प्रदेश में किस तरह से निवेश को बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश में कैसे रोजगार की दृष्टि से इस प्रदेश को और बेहतर करना है, इसके लिए सरकार ने जो भी रूपरेखा तैयार की है उस रूपरेखा के गवाह साक्षी ये कंपनियां बनने वाली हैं। 1406 ऐसी प्रमुख कंपनियां हैं जिन्हें बुलाया गया है और बताया जा रहा है कि अडानी, फ्लिपकार्ट जैसी करीब 47 बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश में व्यापार को लेकर के कैसे उत्तर प्रदेश को सजाया संवारा जा सकता है, इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार करके इन लोगों के सामने रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अभी से ही कुछ ऐसे बड़े नाम जो है वो राजधानी लखनऊ आना उनका शुरू हो चुका है, जो बड़े उद्योगपति हैं और उम्मीद बताई जा रही है ये है कि कल ऐसे कुछ ऐसे बड़े चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं जिनकी उम्मीद हम सबको नहीं थी कि वो कभी राजधानी लखनऊ आएंगे, लेकिन आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बेहतर करना है, उत्तर प्रदेश में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना है, उत्तर प्रदेश में ODOP जैसी योजनाओं के तहत जो लोग अपना छोटा लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए संभावनाओं के जो दरवाजे हैं उन्हें और बड़ा करना है और उसी के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पहले भी हुआ है, कल भी इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा। कई अहम चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। बताया जा रहा है कि 100 से 499 करोड़ वाली करीब 108 कंपनियां ऐसी हैं जो करीब 24,028 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो कर सकती हैं और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 500 करोड़ से अधिक वाली करीब 30 ऐसी प्रमुख कंपनियाँ हैं जो 43,906 करोड़ रुपये तक का निवेश जो है वो कर सकती है। इसके पहले 2018 और 19 में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। बताया जाता रहा है कि उस दौरान जब 2018 में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था तो करीब 4.28 लाख करोड़ रुपए के जो MOU थे वो साइन किए गए थे और करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। सैमसंग जैसी कंपनियों के नाम मौजूदा सत्ता दल लेते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि जब पहली इन्वेस्टर समिट हुई थी और उस इन्वेस्टर समिट के बाद सबसे पहली कंपनी अगर उत्तर प्रदेश में कोई आई थी
तो वो सैमसंग थी। और उसके अलावा जब दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई तो उसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कोविड के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से आयोजित की जा रही है। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो औद्योगिक घराने हैं वो उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, जो 14 से 6 कंपनियां जो हैं उनके अलग अलग जो 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 स्टॉल्स हैं वो भी बनाए गए हैं, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के या फिर अन्य जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके स्टॉल्स बनाए गए हैं। और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, उन सबके जो अलग अलग जो हैंडलूम और टेक्सटाइल की कंपनीज हो गई, कई सारी जो प्रमुख कंपनीज हैं जो इन सब चीज़ों में अपना काम करती हैं उनको बुलाया गया है। और बताया जा रहा है कि ये लोग इस बार उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। लेकिन कल पता चलेगा कि आखिर इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद उत्तर प्रदेश में कितना कुछ बदलाव होता है। दूसरी अहम चीज ये है कि अब लगातार प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं वो पहली और दूसरी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार के दावे तो बहुत सारे थे लेकिन उन दावों को कहीं ना कहीं जमीन पर सही तरीके से नहीं उतारा जा सका, जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं किया जा सका है और उसी के चलते इस तरह के जो आयोजन हुए थे वो बिल्कुल भी कारगर और कामयाब सिद्ध नहीं हुए हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि कल जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जितने भी लोग आएंगे उनको यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो निवेश करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो यूथ है, जो युवा शक्ति है, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है वो उत्तर प्रदेश को और बेहतर करने के लिए उनकी कंपनियों के साथ काम करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और मैं इसी विषय पर आज चर्चा करूंगा कि आखिर यह कदम सरकार का कितना कारगर सिद्ध होने वाला है। बहुत बड़ा मौका है और इन्वेस्टर समिट अगर हम देखें, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और जो 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, पहले से दूसरी पे ग्रोथ और तीसरी एक ऐतिहासिक होने जा रही है। 80,000 करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है जो एक रिकॉर्ड है। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का विश्वास और भरोसा जीतने का काम किया है, आज दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत माना जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए, जो इंडस्ट्री के लिए एक माहौल चाहिए, वो सब कुछ देने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री ने ये दावा किया कि 1,045 MOU साइन हुए जबकि उसके बावजूद 90 ही उद्योगों में काम शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। तो आप देखेंगे किस तरह से असफल रही है। मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 लाख के करीब सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भरने का क्या रोड मैप है इनके पास। मैं जानना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रीज इनके हिसाब से लगी हैं उसमें कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और कितनों में काम शुरू हुआ। सच्चाई यह है कि इन्होंने MOU का MOU किया है, ग्राउंड ब्रेकिंग का ग्राउंड ब्रेकिंग किया है लेकिन धरातल पे कोई भी रोजगार उत्पन्न नहीं हुआ है। विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो लगभग सभी जुड़ गए हैं, उन सबसे आपको रूबरू कराता हूं, उसके बाद मैं इस विषय पर चर्चा को शुरू करूंगा। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अमित गुरु हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक और अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों को आज की इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित गुरु जी आपके पास आना चाहूंगा, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी। अमित भाई, तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री 1,406 कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी, 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होना है। इतना कुछ उत्तर प्रदेश में होगा कभी आप लोगों ने सोचा था? देखिए, बड़ी साफ सुथरी बात मैं करता हूँ। 2018 में इन्होंने पहली बार ये सेरेमनी कराई और आज पांच सालों में ये तीसरी बार होने जा रहा है। 2 बार कोविड के नाते कैंसिल रहा। जब ये पहली सेरेमनी करते हैं, भारी भरकम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और ले दे के जितनी कंपनियां आती हैं वो 100%
उस दायरे के लिए मूव नहीं कर पाते जिस के साथ इस सेमिनार को किया गया था। और इन 5 सालों में तीसरी बार अमित भाई आपकी आवाज कुछ नहीं मिल रही। हाँ बोलिए। अमित गुरु की आवाज। हाँ जी अमित भाई सुन पा रहे हैं आप? आवाज कट गई है। हाँ बोलिए, सुन रहे हूँ, बोलिए अमित जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए हम लौटेंगे अमित भाई के पास। तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। तारिक भाई, निवेश का पैमाना उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रहा है एक बार फिर से, और बताया जा रहा है कि करीब 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में कल होगा जब ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का तीसरा पार्ट जो है वो आयोजित किया जाएगा। क्या कहना है आपको, और पहला और दूसरा कितना सक्सेसफुल रहा था? देखिए ये मेरे मैं जनरली सवाल पूछता नहीं हूँ, मगर पूरे भाजपा के जितने भी लोग हैं भाजपा के यहाँ के प्रवक्ता जो बैठे हैं सबसे मेरे 4-5 सवाल हैं, क्योंकि ज्यादातर मैं सवाल पूछता नहीं हूँ, मगर ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। कि पहला सवाल मेरा ये है कि आपने पहली ब्रेकिंग की 60 की, दूसरी की 65 की, तीसरी करने जा रहे हैं 80 की, सब मिला के 2 लाख करोड़ रुपए हो गए। जो प्रॉमिस था वो 4.5 लाख करोड़ का था लगभग। आपने MOU साइन किए 1,000 से ज्यादा के, तो बाकियों का क्या आप 50% पे परफॉर्म करेंगे पहली बार? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कितने SEZ बनाए? अगर SEZ आप नहीं समझेंगे तो हम समझा देंगे उसको कायदे से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहां टैक्सेशन लगभग ना के बराबर होता है और लिया ही नहीं जाता है। SEZ सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा और नोएडा से नहीं होता, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। कितनी फैक्ट्रियां नोएडा के बाहर आपने लगाई उनको बता दीजिए, हम छू के उसको देखना चाहते हैं। दृश्य अदृश्य ना हो, वो छू के टेंजिबल हो, हम उसको देखना चाहते हैं। मेरा चौथा सवाल, 25,000 करोड़ रुपए बिरला जी ने कहा था समिट, मैंने पूरा बकायदा उसकी जब वो कवरेज हो रहा था मैंने लाइव बैठ के देखा था। 25,000 बिरला जी ने कहा था, 10,000 अंबानी जी ने कहा था, और 36,000 अडानी साहब ने प्रॉमिस किया था। इन तीनों के जो प्रॉमिसेस थे उनकी फैक्ट्रीज में जाकर छूकर उसको थोड़ा सा छूकर फील करना चाहता हूँ कि वो टेंजेबल है या नहीं है। एक कोरिया की कंपनी थी, उससे 90,000 का, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उससे 90,000 का एक MOU साइन हुआ था। उस 90,000 के MOU का आगे क्या हुआ वो भी मैं जानना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि 1 ट्रिलियन की बात की जाती है, किस बेस पे 1 ट्रिलियन की बात की जा रही है ये भी जरा एक्सप्लेन करें। 20,000 करोड़ का 1 ट्रिलियन मतलब कि 100 लाख करोड़ हो गया, तो 20,000 का हमारा अभी करोड़ का वो है, इकोनॉमी का साइज है उत्तर प्रदेश का, उसको किस रेट से बढ़ाएंगे हम? हमारा लगातार जो GDP का ग्रोथ रेट है वो एस्टिमेटेड से नीचे आता है। ऐसे टारगेट्स बनाने चाहिए जो अचीवेबल हो, टेंजिबल हो, जहां तक हम आसानी से पहुंच सकें। ये टारगेट वो है जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। मेरे इन 4-5 सवालों का जवाब अगर भाजपा के पास किसी के पास भी हो तो मुझे दे, मैं बहुत परेशान हूं इनके जवाब जानने के लिए कि क्यों ये सारी बातें हो रही है। एक और बात कि एक शेर भी मैंने इसके लिए बनाया है, मतलब बनाया क्या है, किसी का लिखा हुआ है, मैं अपनी आंख से चश्मा उतार कर देखता हूँ, हुनर जितना है सारा आजमा कर देखता हूँ, नजर उतना ही आता है जितना वो दिखाता है, मैं छोटा हूँ हर बार अपना कद बढ़ा कर देखता हूँ। शाही साहब कह रहे हैं आप चश्मा बदल, मेरे इन कुछ सवालों का जवाब जरूर। शाही साहब कह रहे हैं आप कभी चश्मा बदल कर भी देखिए। बदल लेंगे, SEZ बता दे कहां बनाया है वो भी बदल देंगे। ठीक है मैं आता हूं। अमित गुरु अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्या कह रहे थे आप? अमित भाई आवाज मिल रही? हाँ बात पूरी कर लीजिए। अमित गुरु को आवाज नहीं मिल रही शायद। इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। इमरान भाई आपको क्या लगता है कि कल एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है राजधानी लखनऊ में, पहले भी 2 बार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो चुका है और सरकार की तरफ से काफी कुछ बताया भी गया है कि कितना निवेश हो चुका है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कल एक और बड़ा बदलाव हम माने कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए नितिन भाई जी, जहां तक बात इस इन्वेस्टर समिट की है या जितना काम भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है उसके बारे में सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि जो सरकार का जो पूरा
एजेंडा दिखता है, सरकार की जो पूरी कार्यशैली दिखती है, उससे सिर्फ एक बात पता चलती है कि ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, ये सरकार एडवर्टीजमेंट की सरकार है, ये सरकार प्रचार और प्रसार और इश्तेहार की सरकार है, इसके अलावा धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। पिछली दो बार की जो समिट्स हुई है उसमें आप उठाकर देख लीजिए कि धरातल पर कितना बदलाव आया, कितनी फैक्ट्रियां लगाई गई, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, जमीन पे उसकी क्या सच्चाई है। अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो ना तो आपको छूने के लिए कुछ मिलेगा, ना तो देखने के लिए कुछ मिलेगा। हाँ, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं इनके जुमलों की आंधी, इनके जुमलों का तूफान, इनके आंकड़ेबाजी की जो एक कला है उसको आप महसूस कर सकते हैं, जमीन पर कहीं। लेकिन ये लोग तो लगातार कह रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है उनको बढ़ावा मिला, जो लोग अपना छोटा उद्योग शुरू करना चाहते थे उनको बढ़ावा मिला। इन्होंने पकौड़ा तलने को रोजगार बोला है, पकौड़ा तलवार है लोगों से। जमीन पर क्या हुआ मैं पूछना तो चाहता हूँ। पिछली बार 1045 के आसपास एमओयू साइन हुए थे, उसमें से कितने एमओयू धरातल पे उतरे जिनको अमली जामा पहनाया गया हो, बस इतनी सच्चाई हमको बता। ठीक, शाही साहब सुन लिया आपने जी, जवाब दीजिए। जी नितिन जी, देखिए मैं बधाई देता हूँ पहले सर्वप्रथम योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने ये करने की सोचा। इसके पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश था। नितिन जी थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि बड़ा पॉइंटेड सवाल मुझे पूछा गया, मैं जवाब देना चाहता हूँ। पूरा समय, पूरा समय जी। तो यहाँ पर जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज 80,000 करोड़ के निवेश की तैयारी की, आपने ओपनिंग में उसमें बताया कि 1406 परियोजनाओं का भूमि पूजन शिलान्यास किया जाएगा। मैं शुरू करता हूँ अपने भाई के, जो उन्होंने सीधा से सवाल पूछा, नोएडा में ही क्यों लगता है, बिरला अंबानी अडानी किधर हैं, कोरिया की कंपनी कहाँ है, $1 ट्रिलियन कैसे करें, ये इनके कुछ थे। और दूसरे भाई की हमारे था कि विज्ञापन की सरकार है, इवेंट की सरकार है, धरातल पर कुछ नहीं है, पिछली बार कितने हुए, इस सब का जवाब मैं देता हूँ क्रमशः। मैं नोएडा की बात बताना से शुरू करता हूँ कि इस बार देखिए 80,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा, सबसे ज्यादा पश्चिमांचल में हो रहा है, उसके बाद पूर्वांचल में हो रहा है, फिर मध्यांचल में हो रहा है, फिर बुंदेलखंड में हो रहा है। हमने सब पूरा हमने लिया है, मैं पूरा डिटेल में आऊंगा, उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, नितिन भाई खुद पहुंच जाएंगे आपके पास, मैं एक एक डिटेल में आऊंगा। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हुआ करता था, जिसको बीमार से स्वस्थ कराया गया भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा। एक माहौल बनाना पड़ता है जिससे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। कानून व्यवस्था की बात हमने की, कानून व्यवस्था सही किया, एक माहौल बनाया हमने, फिर लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद कई सुधार करने पड़े, लगभग 186 सुधार किए गए, 186 सुधार करने के बाद एक माहौल तैयार किया गया कि जिसमें हम लोगों को बुलाकर कुछ हम यहां पर योजनाएं लगा सकें। इस बार जो लगने जा रही है, देखिए 80,000 करोड़ में आईटी का हम हब बना रहे हैं पूरे यूपी में, मंडलवार हम एक आईटी पार्क की घोषणा हम कर चुके हैं, जिसमें 11 जो है 2024 में चालू हो जाएगा। डेटा सेंटर जो हम लोग स्थापित कर रहे हैं, जिसमें हीरा नंदानी ग्रुप 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हमने संकल्प पत्र में 3 डेटा सेंटर का पार्क का हमने लक्ष्य रखा था, और इस बार एक हीरा नंदानी प्लस 3 और 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब मैं आ जाता हूं जो पिछली बार की बात इन लोगों ने की, क्या हुआ जी? योगी सरकार में 5 साल में लगभग 172 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रतिदिन का हुआ है। आप जोड़ लीजिएगा कितना हुआ है, क्या हुआ है। 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो आप लोगों ने बताया उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 156 देशी और विदेशी कंपनियों ने लगभग 60,000 करोड़ से ऊपर का निवेश किया है। 175 कंपनियों में 65,000 करोड़ के निवेश की पूरी तैयारी अभी है, पिछला वाला चल रहा है, अभी वाला ये छोड़ दीजिए। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 कंपनियों ने 40,000 करोड़ निवेश किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 21 कंपनियों ने 13,000 निवेश कर दिया है। टेक्सटाइल में 4 कंपनियों ने 7,000 करोड़ निवेश कर दिया है। अप्रैल प्रमोशन क्लस्टर 5,000 करोड़ से ऊपर का ग्रेटर नोएडा में हो चुका है। क्लस्टर यार्न बलरामपुर में 1,000 करोड़ का लग चुका है, और 11 लाख करोड़ के लगभग को रोजगार भी इसमें, 11 लाख लोगों को रोजगार की भी इसमें हम लोगों ने कोशिश की है। ओडीओपी में देखिए ग्रेटर वो क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन का एक राजनयिक आता है, गोरखपुर में देखता है पॉटरी का
कितना प्रसन्न होता है, वहां के लोग यहाँ आते हैं और हमारे जो साथी हैं ये सवाल उठाते हैं कि कैसे करेंगे। एक बीमारू प्रदेश था, इसके पहले इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमको कुछ करना है, इनको नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे रहा है। अमित गुरु कहीं के हो, गुलरिया जाकर देख ले, पॉटरी कितना बढ़िया गुलरिया में बनती है, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। लोगों ने जो है, हम लोगों ने उसको वहां से उठाया और किस तरीके से पॉटरी का काम वहां से आगे बढ़ रहा है आज। मतलब उस इंग्लैंड के जो राजनयिक थे, वो हाई कमिश्नर आए थे वो, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकर गए वो यहाँ पे। वो लोग हमारा सम्मान करते हैं और यहाँ के लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। हम रोजगार निवेश की जो बात करते हैं, देखिए हर जगह जो है, जैसे हमने 175 कंपनियों में 65,000 करोड़ की जो निवेश है, उसमें लगभग हम 2,00,000 लोगों से ऊपर को हम रोजगार देने की तैयारी में हैं। कंपनियां जितनी आई हैं, जो तैयारी कर रही हैं, कुछ कंपनियां तैयारी कर चुकी हैं, कुछ ने अपना काम चालू कर दिया। वीवो, ओप्पो, सैमसंग आपने नाम ले ही लिया था, ये किसने लगवाया? और हमारे भाई ने पूछा कि नोएडा में क्यों, तो भाई नोएडा क्या उत्तर प्रदेश से बाहर है? ठीक है, नोएडा में हम लगा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अब अगर वो मोबाइल, बहुत देर आप बोल चुके हैं, सवालों का जवाब थोड़े ले जाएंगे। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ तारिक भाई बोल लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ू। मैं जैसे आपने बढ़िया सब कुछ बताया, मैंने जो सवाल पूछे थे, फिर भी आपने मेरे सवालों को एड्रेस नहीं किया। मैं फिर से आपके जो सवाल थे, बहरहाल चलिए, सवाल को आपने मेरे एड्रेस नहीं किया, आप दूसरी तरफ ले गए। मैंने डायरेक्टली पूछा था कि अडानी अंबानी और ये जो बिरला ग्रुप है, इन्होंने जो वादा किया था, ये तकरीबन सब मिला के 80,000-90,000 करोड़ हो जाता है, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहां इन्वेस्टमेंट किया? उन्होंने भरे मन से कहा था कि मैं 50, एक जन ने कहा था, एक सेकंड, अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे आपको मैंने बहुत शालीनता से सुना है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इसका डायरेक्ट आंसर मुझे नहीं मिला। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, नोएडा को और ग्रेटर नोएडा को SEZ बहुत पहले बनाया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहां पर होता है, जहां पर आप एक्सपोर्ट बाहर सामान बेच सकते हैं और जिसकी इंपोर्ट ड्यूटी लगभग जीरो होती है, और दुनिया भर की वहां पर फैसिलिटीज दी जाती हैं। सैमसंग तो यही लोग आए थे ना। वहां पर अगर कुछ भी एस्टैब्लिश होता है, आप बात समझिए, हम उद्योग की बात, उद्योग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर जब उद्योग की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब उद्योग आएगा तब इम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तभी इम्प्लॉयमेंट की कोई बात होगी, तभी। इसलिए कहा जाता है कि जो दूसरा हिस्सा है उधर, जो वेस्टर्न यूपी है उसको छोड़ दीजिए। मैंने जो लग गए हैं उसके बारे में, आप लग गए आप उसके लिए स्वागत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके हिसाब से जो दो आपके दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी, उन दोनों को अगर जोड़ लें तो तकरीबन 60-60 की दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस 60-60 की दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, इसका डेटा क्या सरकार के पास है? 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 50,000 हुआ, आप कह रहे हैं? ठीक है तारिक भाई, हाँ जवाब ले लेते जल्दी से। मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हाँ जी जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से इसने सवाल किए। तारिक भाई प्लीज सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए तारिक भाई प्लीज, आखिरी रिक्वेस्ट। तारिक भाई मैं आऊंगा, बाकी लोग भी हैं उनके पास, डबल मैंडेट पा चुके हैं आप, दो बार मैंडेट पा चुके हैं, हमें जनता ने मैंडेट विपक्ष में बैठने का दिया है, आपको सरकार चलाने का दिया है, हमने क्या किया उससे मत जाइएगा। आप क्या कर रहे हैं बस इसी का जवाब भाई, आपने क्या किया? शाही साहब जल्दी से थोड़ा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए नहीं, अगर हमने नोएडा को हब बनाया SEZ, अगर ये हमसे पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं इन्होंने SEZ बनाया, किसी को और कहीं कर किए थे? हाँ, एक रोजगार सृजन का केंद्र बनाया था इन्होंने सैफई में, जो हवाई पट्टी बनाई, कितने लोगों को रोजगार मिला है उस हवाई पट्टी से बता दीजिएगा, और 100 करोड़ रुपए जो है लगाकर हर साल जो वहां नृत्य होता था उसमें कितना रोजगार जनरेट होता था? आज ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे, ये उचित है? दूसरी तरफ ले जा, आज एक बीमारू प्रदेश को हम लोगों ने ठीक करने के बाद इतना, अगर देखिए नितिन जी होता है, जैसे ही कोई प्रवक्ता इस तरफ डिबेट को ले जाता है, देखिए ये बीच में बोलेंगे तो ठीक है, प्लीज ठीक है हो गया आप लोगों का बढ़िया है, आप ठीक है शाही साहब, मैं आता हूं आपके पास। नितिन जी एक लाइन से मैं खत्म करता हूं, जल्दी से प्लीज। कि अगर हम 100 आदमी को आमंत्रित करते हैं तो 100 आदमी आकर MOU साइन करते हैं, तो हो सकता है उसमें 10 लोग लगाएं, 15 लोग लगाएं, 20 लोग लगाएं,
जी फिर हम उनको माहौल देंगे, अगली बार फिर बुलाएंगे उनको। तो ये तो एक हम आमंत्रण दे रहे हैं ना, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ लगाइए, लेकिन उसमें भी कई लोगों ने जो लगाया है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अडानी अंबानी और ये और वो, उनको दिन भर गाली देते हैं और उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अमित गुरु, आप क्या बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, पूरा कीजिए। हाँ नितिन जी, शुरुआती दौर में मेरी बात रह गई थी, कनेक्शन कट गया। शाही साहब कह रहे हैं आप वहाँ रहते हैं, वहाँ पर काफी कुछ बदलाव हो गया है, विदेश से लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं हमें भी इसी तरह के कुछ करना है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए जिस ट्रैक पे बात होती है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस ट्रैक पे डिगे नहीं रहते हैं, वो ट्रैक बदलना चाहते हैं। इन सब बातों के लिए कभी और ये डिबेट रख लेंगे, इनसे हम लोग बात कर लेंगे। बात आज हम इनसे सबमिट की करें और मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था, अवरोध हो गया। 5 सालों के अंदर इनको तीसरी बार ये सबमिट करनी पड़ रही है, ये खुद में दर्शाता है कि पीछे की सारी सबमिट फेलियर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, भारी भरकम इनके दावे होते हैं। अभी आप ओडीओपी की बात कर रहे थे, ओडीओपी में रत्ती भर भी कोई प्रोग्रेस अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। अच्छा, अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज, कोरोना का पैकेज, ये हाथ साईगी हाथ चमकाने से नहीं, आपको डाटा रखना पड़ेगा। 20 लाख करोड़ का जब बजट कोरोना काल में मोदी ने दिया, निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर जज करते रह गए, वो 10% पैसे का भी हिसाब नहीं दे पाए। हवाई जहाज में हवाई चप्पल वालों को बैठाने वाली सरकार बड़ी बड़ी बातें करती, आज इनकी खुद की जहाज नहीं है। आज डॉलर की जो कीमत है 77 रुपए से ऊपर चली गई। स्थिति यह है कि अपने देश में 500 के नोट जो है डुप्लीकेट नोटों में 100% का इजाफा हुआ है, 2000 के नोट में 50% का इजाफा हुआ है। सारी चीजें, ये पूरी सरकार उस नाव पे चल रही है जिसमें कम से कम 72 छेद है। अर्थव्यवस्था कब डूब जाएगी, व्यवस्था जो है ये इतनी बद से बदतर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब ये सबमिट करते हैं तो फोर्ड जैसी कंपनी, जनरल मोटर जैसी कंपनी, हार्ली डेविडसन जैसी कंपनी ये दोष छोड़ के चली जाती है और लाखों नौजवान बेरोजगार हो जाते हैं। सवाल तो ये है कि सरकार का सबमिट करें, एम्प्लॉयमेंट का सबमिट करें, ये उन किसानों के दर्द को खत्म करने के लिए किसानों की सबमिट करें। रहा बात अडानी और अंबानी की, बार बार बात हो रही कि इतना निवेश करेंगे, अरे भाई इसके पहले भी वादा करके आए थे। चलिए मैं मान लेता हूँ अडानी और अंबानी निवेश जरूर करेंगे, अरे भाई क्यों नहीं करेंगे। 4 लाख करोड़ आप अपने उद्योगपति मित्रों का बार बार माफ करते हैं, 4 लाख करोड़ तक का आपने माफ कर दिया, तो जब सरकार इस तरह से इन 2-3 उद्योगपतियों के ऊपर मेहरबान है तो भाई ये तो कहीं भी किसी तरह का उद्योग लगाते रहेंगे, क्योंकि सरकार इनके लिए करती है और ये सरकार के लिए करते हैं। ठीक है सर, सवाल इस बात का है कि वो मूलभूत मुद्दे कहाँ हैं। लोगों की आजीविका पे आज के डेट में संकट है, ठीक है। राशन बांटते हैं उसको वापस लेने की धमकी देते हैं, किसान सम्मान निधि देते हैं उसको वापस लेने की धमकी देते हैं, और बात इस सबमिट की कर रहे हैं। 3 बार में हर बार कभी 50,000 करोड़, कभी 60,000 करोड़, आज जो है 80,000 करोड़ के लिए सबमिट करते जा रहे हैं। ले देखिए, देखिएगा ढाक के 3 बात रहेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हजार सैकड़ों करोड़ रुपए ये लोग बर्बाद करेंगे और फिर इस देश की जनता को मूर्ख बनाएंगे, ठीक है। मैं आता हूं इसी प्रदेश के अंदर, हाँ, ऐसे भी कर्मचारी रहे जिनके सैलरी को इन्होंने बाद में वापस ले लिया था, सैलरी कम कर दी थी। इनके पास न तो कोई पैमाना है और न ही कोई ऐसी योजना है जिसमें प्रदेश की माली हालत ठीक हो सके। आने वाले दिन बड़े ही खराब होने वाले हैं अगर ये सरकार सुधरी नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ। सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं। हाँ सुभाष जी, कल एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में होना है और उत्तर प्रदेश में रोजगार के साथ साथ जो निवेश की दृष्टि है उसको और बेहतर किया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। आपकी नजर में ये कितना सही है और कितना बेहतर हो सकता है? जी नितिन जी, बिल्कुल, कल इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, ये निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जी। इससे रोजगार के अंदर वृद्धि होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं सारे प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, विशेषकर कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब की और समाजवादी पार्टी के, तो 2018 के अंदर जो सबसे पहले ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, एमओयू साइन हुआ था, तो इसमें अश्विनी भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि उस प्रोग्राम के अंदर तो 10 लोग इकट्ठे होते हैं, 20 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन बशर्ते उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कौन आता है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रही बात रोजगार की वृद्धि की, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिला है, ओडीओपी के तहत मिला हुआ है, और जो छोटे छोटे जो बोर्ड बनाए गए थे उसके तहत उनको उद्योग मिला है, क्योंकि
इसके पहले की जो सरकारें थी उस समय उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी के चक्कर के अंदर उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, मुंबई, पुणे, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र वगैरह जाते थे। लेकिन अब इस सरकार आने के पश्चात उत्तर प्रदेश के नौजवानों का दूसरे राज्यों के अंदर जाना कम हो गया है, तो जाहिर सी बात तो रोजगार बढ़ा है। अगर रोजगार नहीं बढ़ता तो ये नौजवान कहाँ जाते? जाहिर सी बात तो दूसरे प्रदेशों के अंदर जाते। और जब दूसरे प्रदेशों के अंदर अगर वो लोग नहीं जा रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार बढ़ा है, लेकिन साथ ही लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अमित गुरु जी हो गया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि दो साल कोरोना के अंदर, जिसके अंदर वैश्विक महामारी थी, उसके अंदर आर्थिक रूप से सिर्फ भारत ही को नुकसान नहीं हुआ, सारे देश, विश्व के अंदर ऐसा कोई देश नहीं होगा जिससे अछूता रहा हो। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत देश को एक अच्छी ऊंचाई पर खड़ा किया। आज भारत देश और उत्तर प्रदेश एक मिसाल बन के दूसरे राज्यों के लिए आया है। तो ये आरोप लगाना कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तो खैर जाहिर सी बात है नजरिया होता है, कांग्रेस का नजरिया अलग है या समाजवादी पार्टी का नजरिया अलग है, लेकिन वास्तविकता ये है कि समिट से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बहुत ही फायदा मिला है। ठीक है, अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, क्या आपको लगता है या फिर मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ सही है कि इस तरह के आयोजनों से जो लोग छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, और इस तरह का जो कदम उत्तर प्रदेश में उठाया जा रहा, अमित गुरु भी अभी कह रहे थे कि 5 साल में तीसरी बार है, तो ये कहीं ना कहीं फेल्योर है, ये फेल्योर है या एक नए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए कदम? नितिन जी देखिए, इसको दो तरह से देखना चाहिए। एक तो ये है कि मान लीजिए मैं किसी एग्जाम में बैठा हूँ और फेल हो गया किसी कारणवश, तो मैं दोबारा इम्तहान ही ना दूँ, तो पहले तो इस बात की सराहना करनी चाहिए कि लगातार ये सरकार ये प्रयास जारी रख रही है कि एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, किसी भी तरह से। और देखिए, कोई भी जो है बेसिक चीज़ें जब तक आप नहीं ठीक करेंगे, यहाँ का माहौल नहीं ठीक करेंगे, तब तक उद्योग लगाना, उसका चीज़ इम्प्लीमेंट कर देना इतना आसान नहीं होता है। कह देना तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है कि कह दिया ये चीज़ कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसकी बेसिक तैयारी करने में टाइम लगता है। जैसे कह सकते हैं दशा तो नहीं बदली है लेकिन दिशा बदली है, तो दिशा बदलने का प्रयास सरकार कर रही है और उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। विपक्ष की जहाँ तक रही बात, वो तो उनका काम है उठाना, सवाल उठाएंगे। और सही बात यह है कि पिछले दोनों में जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिली, तो सफलता नहीं तो मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि इस काम को बंद कर देना चाहिए, लगातार प्रयास जारी है और उम्मीद करना चाहिए कि आगे अच्छा होगा। हाँ, ये बात और है कि जिस तरह से आप प्रचार की बात है, तो बिना प्रचार किए लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि प्रचार नहीं किया गया तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हाँ कुछ यूपी में हो गया, चला गया, निकल गया, तो प्रचार भी जरूरी है, इस चीज का बताना भी जरूरी है कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। हाँ, इसको फेल्योरिटी नहीं कहेंगे लेकिन पूरी तरह से सफल भी नहीं रहा पिछला, और उसका एक कारण सबसे बड़ा ये था कि 2 साल इस पूरे देश ने नहीं, दुनिया ने कोविड का दंश झेला है, और उस दौरान हम लोग जैसे आम आदमी भी जो रोजगार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसको भी सर्वाइवल में बहुत दिक्कत हुई है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि माहौल ना समझिए और आप खाली उड़ते जाइए, तो माहौल भी देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्यों सफल हुई, क्यों असफल हुई। सफलता एक बार में नहीं मिलती है, बहुत से लोग आईएएस 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करते हैं, 4थी बार में निकाल पाते हैं, 2री बार में निकाल पाते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हम इम्तहान फेल हो गए तो इम्तहान ही ना दें, इम्तहान देते रहना चाहिए, और उस प्रयास के लिए मैं उनकी सराहना करूँगा। ठीक है, इमरान लतीफ कुछ कह रहे हैं आप? जहाँ तक उद्योग धंधे लगाने की बात है और अच्छा कारोबार माहौल देने की बात है अच्छे कारोबार के लिए, तो उसके लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं उस पर काम किया जाना पहले ज़रूरी है, अन्यथा इस तरह से प्रश्न उठते रहेंगे। आज बेसिक जरूरत मैं सबसे बेहतर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी राज्य में, इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि वहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, और कानून व्यवस्था का हाल उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है किसी से नहीं छिपा है। आप अखबार उठाएंगे, रोज़ अखबार में छन के खबरें पहुँचती हैं, कितनी खबरें दब जाती हैं गांव गिराव में, लेकिन जो खबरें आती हैं वही उठा के देख लीजिए तो पूरा अखबार खून से रंगा रहता है उत्तर प्रदेश का। हर ज़िले में यही कहानी, कहीं दुष्कर्म की कहानी है, कहीं बलात्कार की कहानी है, कहीं किडनैपिंग की कहानी है, कहीं हत्या की कहानी है, सारी खबरें पटी पड़ी हैं। तो आप अच्छी कानून व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी जो घटना, जो ऐसे कार्यक्रम हैं, निश्चित रूप से उनको फेल होना है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है,
यही बात मैं कह रहा हूं कि अगर पहले की दो सेरेमनी आपकी फ्लॉप रही है तो आपको कहना चाहिए, आपको यह बताना चाहिए कि हाँ इन कारणों से ये असफल रही, तीसरा प्रयास करने हम जा रहे हैं। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ फिर अगर बहुत सफल रही है तो फिर जरूरत क्यों पड़ गई। मैं कह रहा हूँ 1045 से ज्यादा एमयू साइन होते हैं और धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है तो कैसे हम उसको सफल मान लें। रोजगार की जहां तक बात है तो बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर भी, तो हम कैसे मान लें कि आप रोजगार दे रहे हैं। रोजगार देने के मामले में आप अपना ही जो वादा आपने किया था उसी को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो संकल्प पत्र का वादा है, जो संकल्प पत्र का वादा है आप वही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अभी भी आप उठा के देख लीजिए कि नया रोजगार सृजन तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत दूर की कौड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। जो रिक्त पद हैं इनके डिपार्टमेंट्स में पहले ये उनको भर लें, उसके बाद अपने विभागों में कुछ नए पद सृजित कर लें, तब तो हम मानेंगे ये रोजगार दे पा रहे हैं, बेरोजगारी दूर पा रहे कर पा रहे हैं। जब ये अपने विभागों के रिक्त पद जो सालों से रिक्त हैं उनको नहीं भर पा रहे हैं, नए पद नहीं ये सृजित कर पा रहे हैं, तो इस तरह की समिट से और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से कुछ कर पाएंगे बिल्कुल यकीन नहीं होता है और उस पर सवाल उठना लाजमी है। सुभाष जी कुछ कह रहे थे। सुभाष जी, इमरान भाई मेरा एक छोटा सवाल है, अभी आप सुरक्षा के मुद्दे की जो बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे थे, आपकी सरकार शासित एक पंजाब राज्य है जिसके अंदर कुछ दिनों पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए शायद और सबकी याददाश्त काफी मजबूत भी है, कुछ दिनों पहले जो मशहूर सिंगर है पंजाबी के सिद्धू मूसेवाला के साथ साथ कई ऐसे लोगों की सुरक्षा हटाई गई। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा बिना समीक्षा की हटा दी गई और अगले दिन उनकी हत्या हो जाती है। तो जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को नसीहत दे रहे हैं, क्या आपके उसी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया पंजाब के अंदर? बिल्कुल सुभाष भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात तो पंजाब में मुश्किल से 70 दिन की सरकार हमारी होगी और 70 दिन में अगर एक घटना आई तो उस पर आप सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपके सवाल का स्वागत कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के साथ जो भी दुर्घटना हुई है उसकी हम जितनी निंदा करें कम है और जिस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए सरकार ले रही है। उत्तर प्रदेश में वैसी घटनाएं हर रोज 70 घटनाएं हो रही हैं, ये फर्क है पंजाब और उत्तर प्रदेश का, पहली बात है। दूसरी बात, जो सुरक्षा हटाने की बात आप कर रहे हैं, सुरक्षा रिवाइज करी गई थी, हटाई नहीं की गई थी। वो पहले उनको 4 कमांडोज थे, फिर उनको 2 कमांडोज दिए गए थे, उनके पास जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। इत्तेफाक था जो भी कह लें, उसकी जांच हो रही है, वो ना तो उस समय अपने कमांडोज के साथ गए ना अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ गए। तो ये एक मामला है, ये जहां कहीं ना कहीं संदेह उठता है, कहीं जहां जांच की जरूरत है, जांच की आवश्यकता है, तो ये पूरा मामला है। आप पंजाब को कैसे तुलना कर सकते हैं? पंजाब में एक घटना 70 दिन में आप एक घटना बता रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 70 घटनाएं रोज आ रही हैं, ऐसा आपका कहना है ना? लेकिन सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने खुद पंजाब सरकार के ऊपर आरोप लगाया ना, क्योंकि समीक्षा नहीं हुई ना। मैं आपको आप जो बता रहे हो कमांडो कम कर दी, चलिए मान लो कमांडो का, आपको समीक्षा तो बनती थी। सुभाष भाई आपको तथ्य चेक करना चाहिए, सिद्धू मूसेवाला के परिवार की बात आप कर रहे हैं, उनके पिताजी ने बाकायदा मीडिया के सामने आके जो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं उस तथ्य को उन्होंने भी रखा है। वो तो बाद में रखा गया जब उनको आश्वासन मिला, उसके पहले तो पोस्टमार्टम करने नहीं दे रहे थे, लाश को दे नहीं रहे थे वो, ठीक है उस पर भी तो जाइए। ठीक है ठीक है, प्लीज शाही साहब क्या कह रहे हैं? तारिक भाई आ रहा हूं इसके बाद, सुन लीजिए शाही साहब की। आम आदमी पार्टी अब हिंदुस्तान में किसी के ऊपर आरोप लगाने वाली पार्टी नहीं रही। दो स्वास्थ्य मंत्री अस्वस्थ होकर जेलों में है, जो इन लोगों ने किया। अरे जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने घूस लेता हो, वो लोग अगर भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं तो फिर मजा ही आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने घूस लेता हुआ पकड़ा जाए, वो लोग भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं भाई, गजब बात। अब चालू में आप कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं केंद्र सरकार के पास भीख मांगने कि हमको इतना करोड़ लाख रुपया दिया जाए, जो पहुंच जाते हैं। अगर सरकार 70 दिन की यहाँ पर प्लीज देते हैं कि हम कानून व्यवस्था नहीं सही कर सकते हैं, तो फिर 10 दिन में कैसे कटोरा लेकर आपका मुख्यमंत्री पहुंच जाता है दिल्ली की, हमको इतने लाख करोड़ रुपया हमको अनुदान दिया जाए, हमको उधार दिया जाए। अरे अपने घर से नहीं देंगे भाई, वो दिल्ली का पंजाब का हक है, आप हक नहीं देंगे तो बिल्कुल मांगा जाए। कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने घर से देने की बात हो रही है। केंद्र सरकार ने अरे केंद्र सरकार क्या अपने घर से देगी? भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के कोष से देगी क्या? अरे नहीं, चलिए पंजाब के लोग से बाहर है क्या? दिल्ली की जनता भारत के अंदर की चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं। इन्वेस्टर समिट में बोल रहे थे इमरान लतीफ की, जो पहले आप लोगों ने इन्वेस्टर समिटें करवाई हैं उससे कितना रोजगार मिला है और कानून व्यवस्था को लेकर के इन्होंने बोला, इसके जवाब दे दीजिए। तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना अभी, दिल्ली मतलब आम आदमी पार्टी को जवाब देना, आईना दिखाना जरूरी है। अभी केंद्र सरकार ने बसे नहीं दिल्ली में, नहीं नहीं यहाँ सरकार में, अब सरकार की तरह से बताइए, हर जगह बस क्यों बन जाते हैं भाई? मुख्यमंत्री हैं इनके,
अब आइए हम रोजगार पर बताते हैं कि क्या है। अगर सुनने का मादा हो तो 5 सालों में जो निवेश आया है उसमें मैंने पहले भी बताया कि 156 देशी विदेशी कंपनियों ने 60,000 करोड़ का लगभग जो है वो दिया। अभी बेरोजगारी का आंकड़ा दे रहे थे, कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया था कि 1,01,00,000 लोग जो है बेरोजगार हुए हैं, लेकिन वो आंकड़ा सभी विरोधी दलों ने वो पढ़ लिया। लेकिन दूसरा आंकड़ा आया कि 80,00,000 लोगों को नौकरियां मिली, रोजगार मिला है, नौकरियां मिली है, उस पर कहीं नहीं किया। ODOP से लेकर और MSME तक में जो हमारी नौकरियां दी गई, और जो अभी सुभाष जी ने कहा एक उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी सरकार है जो जो हमारे प्रवासी लोग लौटे थे कोरोना काल में उनकी स्किल मैपिंग कराकर उनका उनको नौकरी देने का काम किया। 40,00,000 लोगों की संख्या लगभग थी वो, और वो आज चाहे वो जो जिस तरीके का रोजगार कर रहे हो, रोजगार कर रहे हैं, उनको रोजगार मुहैया कराया गया था, चाहे वो जिस कारपेंटर हो, चाहे वो कुछ भी इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, सबको स्किल मैपिंग कराकर उनको नौकरी रोजगार देने का काम किया गया। और बार बार देश में ये कहा जाता पकौड़ा तलने का, भाई मेरे हर चौराहे पर चले जाइए, पकौड़ा तल के लोग जो है 10 जने को खिलाते हैं और 2 परिवार चलाते हैं, वो एक रोजगार होता है। दिल्ली में आप खड़े हो जाइए, लखनऊ में स्ट्रीट फूड क्या है, ये सब चीजें हैं माखौल उड़ाने के लिए। हम किसी का माखौल उड़ा सकते हैं, लेकिन आज पिछली बार की उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां 40,000 करोड़ का आई हैं उसको हम नकार नहीं सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो 13,000 करोड़ निवेश हुआ है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। टेक्सटाइल में 7,000 करोड़ से ऊपर का हुआ है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है शाह साहब, तारिक खान क्या कह रहे थे, जल्दी से पूरी कीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक 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 थोड़ा सा जो लोग गलत समझ रहे हैं, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ये बता दूं, समिट में ये डिसाइड हुआ था कि इतनी कंपनी आएंगी, उसके बाद जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वो जो की जा रही है उसमें उनको बुलाकर, एक तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है शिलान्यास टाइप का, तो ये बार बार समिट नहीं हो रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि बार बार समिट हुआ है। समिट एक बार हुआ, उसके बाद जो कंपनियों ने उस टाइम पे वादा किया था उनको बुला बुला कर ये कहा जा रहा है कि अब आप आइए इसीलिए, और आपने जो वादा किया था उसको पूरा करिए, इसीलिए ये सवाल उठाया जा रहा है। और इसीलिए बार बार ये सवाल मैं उठा रहा हूं कि जो पुराना आपने जो पिछली बार ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी उसका भी आपको एक रोड बिल्कुल दिखाना चाहिए कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है, वो कितना बन चुका है, कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, टेक्सटाइल की भी बात हो रही है, फूड प्रोसेसिंग की भी बात हो रही है। एक अहम बात यह है कि हमें यह भी देखना है कि हम किस चीज में रॉ मटेरियल हमारे पास अच्छा है। हम गन्ना अच्छा उगाते हैं, हमारे पास मिल्क सबसे ज्यादा इंडिया में हमारे पास मिल्क प्रोड्यूसर है, मिल्क के हम, हमारे पास हैंडीक्राफ्ट है, हमारे पास जो फैब्रिक होते हैं उसमें हम नंबर 1 है। तो जब फैब्रिक में हम नंबर 1 है तो मेरा सवाल ये भी है कि रिलायंस फैब्रिक की बहुत बड़ी कंपनी है तो रिलायंस क्यों नहीं इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करती है। हम देश के और स्टेट की जनता के दुश्मन नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि आपको सरकार ने मैंडेट दिया है, लेकिन लेकिन हमारा मकसद यह है कि ये बात नहीं है कि पलायन नहीं हो रहा या लोग बाहर अभी नौकरियां ढूंढने नहीं जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर में, क्योंकि हम आईटी कहां पे, हमारे पास जबरदस्त इंस्टीट्यूट्स हैं आईटी के जो बेहतरीन इंजीनियर्स पैदा करते हैं। उसके बाद अगर हम HCL, इंफोसिस या TCS या बहुत सी कंपनियां हैं उसको अदर बेस ना बना दें, जब तक जो लखनऊ के उधर का हिस्सा है जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं वहां पर भी हम बनाने की जरूरत है, इस तरीके की पहल करने की, जो बिल्कुल उसमें डिवाइड करने की जरूरत है क्षेत्र के हिसाब से, जो कि डेवलपमेंट ये दिखा दिया जाए कागज में कि फिर से वहीं पर सब कुछ एस्टैब्लिश हो गया जहां पहले था। सरकार में रहने के बाद काम करना बहुत मुश्किल है, कुछ किया लोगों ने। पर आईटी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में हमने वादा किया था रोजगार योजनाएं दे रहे हैं, जहाँ जहाँ लगा रहे हैं, हमने पूरे प्रदेश को लिया है, हमने कहीं पश्चिमांचल और पूर्वांचल नहीं किया है, हम पूरे प्रदेश को ले रहे हैं। जी आपको नहीं तो आप बड़े आप बोलने मैं सुनूंगा आपको, तो रहा हूँ आप बोलने तब मैं बोलूंगा। हाँ, शाही साहब देखिए मैं ये कह रहा हूँ, सुन लेते हैं शाही साहब क्या कह रहे हैं। जो जो आप समाजवादी हैं, शाही साहब की सुन लेते हैं, तो लीजिए आप बार बार समाजवादी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी ने 20 करोड़ आईटी सेक्टर में जॉब क्रिएट करने का अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, जैसे आप मैनिफेस्टो में वादा किए थे। चांद पे झंडा, चांद पे पहली बार यही गए थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी झंडा वहां पर समाजवादी का लगा कर आए थे चांद पर।
अब मैं आपको बताऊं, देखिए नितिन जी, अभी 1100 करोड़ का एक खमीर प्लांट पीलीभीत में लग रहा है, ये जहां जहां मैं एरिया बता रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, खमीर प्लांट पीलीभीत का प्रोडक्शन का जो यमुना एक्सप्रेस वे पर लग रहा है, सोलर का जो है जालौन और उधर की तरफ लग रहा है, कानपुर देहात की तरफ, और सोनभद्र की तरफ सीमेंट प्लांट लग रहा है। तो ये चतुर्दिक मैंने बात की, ये हम पूरे प्रदेश को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम, टेक्सटाइल, अक्षय ऊर्जा सारा है। और जो डेटा सेंटर का हमने अपने संकल्प पत्र में दिया था कि 3 डेटा सेंटर हम पार्क बनाएंगे और हम 4 बना रहे हैं, ये आपको मैं बताना जरूरी है, और कल उसका शिलान्यास है। आपको नाम भी मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जो लगा रहा है हीरा नंदानी लगा रहा है 10,000 करोड़ के आसपास। जी ठीक है, अमित गुरु। नहीं नहीं ठीक है, मैं वही कह रहा हूं ना, आप स्पेसिफिक करके बताइए कि वो जो आपने यहाँ जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो प्राइवेट प्लेयर हैं, मैं सरकारी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ज्यादातर आपने अगर 150 कंपनियां गिनाई हैं तो वो फॉरेन की कंपनियां, इंडिया की कंपनी की बात नहीं हो रही है, ना सरकारी उद्गम की बात हो रही है कि वो वहां पर, क्योंकि सरकारी उद्गम से लोगों का पेट, 25 करोड़ की जनता का भार है हमारे ऊपर, जिसमें लेबर तबका भी है, जिसमें श्रमिक भी है, और जिसमें स्किल लेबर भी है। सलाह आपको देने की जरूरत नहीं होती है, आप लोग अपना निकल लिए, जनता ने आपको हटा दिया है, तो सरकार जो कर रही है उसको बेहतर करने दीजिए हर चीज में। ये एरोगेंस है आपका, ये आपका एरोगेंस है, एरोगेंस है, भारतीय जनता पार्टी को इससे दूर रहना चाहिए, बहुत बड़ा एरोगेंस है ये, आप लोगों का एरोगेंस है। इस एरोगेंस से बीजेपी को दूर होना चाहिए, इस एरोगेंस से बीजेपी को दूर होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा में दिखाया, उससे बड़ा एरोगेंस कौन दिखा सकता है, जो भोग रहे थे किसी जानवर टाइप, अब क्या कहें भाई, वो जिस तरीके से वो कर रहे थे अपने जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानवर प्रदर्शन कर रहे थे, देखने को मिल गया, उसको मत जाइए, दो सेल ट्रोल किया आपने, देखिए उस पर मत जाइए, आपने दो सेल ट्रोल किए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने जानवर बोला, एक सेल्फ गोल, दूसरा सेल्फ गोल आपने कहा कि आपको जनता ने भगा दिया है, अब आप अपनी राय मत दीजिए, दो सेल्फ गोल कर लिया आपने, और एक सभ्य समाज की तरह, सभ्य लोगों की तरह उन्होंने उसी दिन कर लिया था, जिस तरीके से वो बोल रहे थे एक उप मुख्यमंत्री को, जिस तरीके से पिता के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया था, वो संस्कार दिख गया था, सेल्फ गोल उनसे पूछिए जाकर, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए। ठीक है अमित गुरु, अमित गलत बात है, ये बात नहीं कहनी चाहिए। तारिक भाई हो गया, तारिक भाई हो गया, सम्मान है बीजेपी का भी, सम्मान है हम विपक्ष में है, हमारा भी सम्मान, ये नहीं कहना चाहिए कि आप सालाना दीजिए, आपको जनता ने बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी में, विपक्ष का आप कैसे उसको नकार सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लिखे हुए बाबा साहब के संविधान को ही नहीं मानते, विपक्ष का कोई रोल नहीं डेमोक्रेसी में। अमित गुरु विपक्ष के रोल को आप जीरो कर रहे हैं। हो गया, आपको कांग्रेस की तरह हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हम उसमें जाएंगे ही नहीं, आप नेहरू के पीछे आ गए भाई, तारिक भाई बात आ जा रहे हैं, सरकार के हाथ में, आप दिया है मगर ऐसा नहीं करिए, आप राष्ट्रीय प्लीज हो गई, तारिक भाई प्रतिपक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, देखिए आप मेरे को कुछ पूछ रहे हैं आपसे, तारिक भाई गरिमा को आप, तारिक भाई प्लीज प्लीज प्लीज, तारिक भाई प्लीज, सीधा सवाल मेरा है, कल के ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में आ रहे हैं उद्घाटन में, सीधा सवाल है, अभी अभी चंद घंटों की बात है, लगभग 90,000 भारतीय रेल में 90,000 रोजगार इनकी सरकार ने डंप कर दिया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दूसरी बात, एक सवाल, जो सैमसंग का माला पहन के बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते हैं, मेरा सवाल है, ये सैमसंग के को लेके अपनी उपलब्धि बताते हैं, जरा ये सच में अपनी बात बताएं, क्या सैमसंग इनकी वजह से रोजगार लेके आया, कौन लाया, क्या वो अपने संस्थान इनकी वजह से लेके आया, कौन लाया, ये सही की बताएं मुझे, हमेशा इन्होंने दूसरे कौन लाया था, सवाल इस बात का है, कौन लाया बताइए भाई, ये लोग मेट्रो का उद्घाटन करके चले जाते हैं, उपलब्धि दूसरों की उपलब्धि में फीता काटने वाले लोग हैं। देखिए सैमसंग पहले से भी प्रोसेस में था, अलग बात है 2017 में सरकार जाती है समाजवादी पार्टी की, और ये लोग 17 में सरकार में आ जाते हैं, और इन्होंने 18 में इन्वेस्ट सबमिट किया और बना बनाया मलाई खा के आज उस सैमसंग का माला पहन के बार बार, अरे यमुना एक्सप्रेस वे तो मायावती जी ने बनवाया था और अखिलेश जी फीता लेकर पहुंच गए थे काटने कैंची,
धोखे में देश को भी तो देखना चाहिए आपको। आप बता रहे कल आपका किस संस्थान का उद्घाटन करवाएंगे अभी एक्सप्रेसवे से नीचे नहीं उतरे उसके पहले यमुना एक्सप्रेसवे बन चुका था और कहते हैं हमने एक्सप्रेसवे बनवाई दिया पहला एडवांस में अडानी के राइजेस खुलने लगे तो आप लोगों का तो पूरा जो नीति है जो आपका मन है जो आपका जो छल और कपट है वो पूरी तरह से अपने उद्योगपति भाइयों के लिए है। सवाल ये है कि अपने भी तो कुछ सृजन करिए। आप रोजगार का डाटा देते नहीं अभी कल रेलवे से 90,000 नौकरियां आपने खत्म कर दी। नहीं वो अभी कह तो रहे थे कि स्किल मैपिंग अमित भाई वो कह रहे थे स्किल मैपिंग करके लोगों को रोजगार दिया जो कोविड में पलायन करके आए हुए जो पलायन करके गए हुए थे जो वापस आए हैं। नितिन भाई सबसे बड़ी बात यह है कि यह इस तरह की डाल रही है ये 20 पैदा कर रहे हैं ये 10,000 12,000 15,000 अभी पकौड़ा तलने के रोजगार को इन्होंने अभी अप्रूव किया जिसपे सालों साल बहस चलती रही। अभी साईं जी ने कहा जाइए चौराहे पे देखिए पकौड़ा तल के लोग अपना घर का जीवन यापन कर रहे हैं तो ये आज भी पकौड़ा ही तलवाएंगे। इनकी नियत और मंशा साफ है और निजीकरण करते हुए संविदा कर्मियों को रख के ये 17,000 18,000 20,000 8,000 10,000 की नौकरियां देके ये नौकरी गिनाते 10,000 में जीव को पाचन कर लेंगे। समाजवादी पार्टी ने तो 2,00,000 भी नहीं दिया था आज इतना भाषण दे रहे हैं ये 2,00,000 नौकरी नहीं दी थी 5 साल में पूरा 1,95,000 ही हुआ था 2,00,000 नहीं दिया था इन लोगों ने रोजगार लोगों से छीन लिए। कांग्रेस से जल्दी है जल्दी ही आंकड़े आए हैं जल्दी ही तो इनके उस पर कुछ जो है कांग्रेस ने समाजवादी टाइप पटका दिखाई दे रहा है। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मुझे कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा था कुछ वो कांग्रेस का वो आने रहा था कांग्रेस नहीं नहीं कांग्रेस जो है खत्म पार्टी है राष्ट्रीय विदूषक इनके हैं। अब वो देखिए जो है चोरी के आरोप में 64,00,000 का उन्होंने इनकम किया वो दिखाया और इनकम हुआ 154 करोड़ का तो उस चोरी में तो भीतर जाने वाले हैं कांग्रेस खत्म। कांग्रेस की बात उत्तर प्रदेश मत कीजिए 2 विधायक अपने बलबूते पर जीत कर आए 6% से 2% ये लोग हो गए क्या करेंगे भाई सीपीआई को हथियार के रूप में इस्तेमाल वकालत कर रहे हैं कांग्रेस वाले बैठ के समाजवादी पार्टी की क्या कहा जाएगा। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है अप्रासंगिक हो चुकी है उत्तर प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए क्या बात करेंगे। और सुनिए सबसे एक हास्यास्पद कल बात हुई बिना दुल्हा के बारात अध्यक्ष है ही नहीं है उत्तर प्रदेश में और वहां पर उनकी जो है चल रहा उत्खनन अमित भाई को बोलने भी नहीं देंगे क्या 2 विधायक हैं तो नहीं बोलेंगे हम तो समाजवादी पार्टी का सोच रहे थे आज आपने 2 प्रवक्ता बैठा लिया है तारिक भाई को भी बिठाया है इनको भी बिठाया है ठीक तो किसी तरह से इसको उनको पच जाए तो अलग बात है ठीक है अमित भाई जी आप सवाल करिए अपने प्रधानमंत्री से 90,000 रोजगार अभी उन्होंने छीन लिया ऐसा न करें निजीकरण के मुद्दे पे और संविदा कर्मियों को आप जाइए अभी भी शिक्षक धरना दे रहे हैं अभी भी उसी लखनऊ राजधानी में महिलाएं चिलचिलाती धूप में मर रही हैं पूछने वाला कोई नहीं और आप कर रहे हैं इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं एक इन्वेस्टर मिल रहा है सबमिट कर रहे हैं आप चाय और काफी उड़ाने की सबमिट हो रही है अरे आप इम्प्लॉयमेंट की सबमिट करिए मैं कहता हूँ मैं दावे के साथ मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। अरे भाई आपके जयपुर से लड़के चले आते हैं कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में धरना देने उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। अशोक गहलोत जी कहते हैं ये लड़कियां अपने आप गई थी इनके साथ बलात्कार नहीं हुआ है तो ये इस टाइप के कांग्रेसी कल्चर वाले लोग क्या बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। यहाँ योगी जी कहते हैं स्पष्ट रूप से कोई गलत करने वाला बचेगा नहीं ठीक है और रोजगार वो अभी जब चुनाव चल रहा था तो मैं आपको बता दूं अमित जी उस समय भी रोजगार देने का काम चल रहा था नौकरियों के वैकेंसी उस समय निकल रहे थे और 100 दिन का जो रोडमैप दिया हुआ है उसमें नौकरियां हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। ये रोजगार कहाँ है केवल कह देने से मान लिया जाएगा आंकड़े हैं आपके पास ठीक है प्लीज हो गई बात आप रोजगार के आंकड़े ठीक है अमित भाई आ गई बात आ गई और इस सबमिट ये खत्म हो जाए तो इसके भी आंकड़े जरूर दीजिएगा तो आने वाले 2-4 महीने में बुलाऊंगा मैं बुलाऊंगा और कितने कितने निवेशक आए कितने उद्योगपति आए उन्होंने कितना रोजगार दिया इसका डाटा भी लेकर जरूर आइएगा 2-4 महीने बाद भाई हैं आप लेंगे हम आपसे ठीक है जरूर करेंगे छोड़ेंगे सुभाष जी जी सबकी बात सुन ली गई यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया
बात हो रही थी समिट की, ग्राउंड सेरेमनी की, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। रोजगार की जो बात चल रही है, कांग्रेस रोजगार की जो बात करती है, कांग्रेस अपना छत्तीसगढ़ नहीं देखती, कांग्रेस अपना राजस्थान नहीं देखती, कांग्रेस को पहले अपने वहां पर देखना चाहिए ना। अश्विन भाई ने बिल्कुल सही बोला कि चुनाव के टाइम पे 90,000 जो रेल की बात मैं कर रहा हूँ उसको आप जज करेंगे, आप उसको जज करेंगे अभी 90,000 नौकरियां। असल में क्या होता है ना कि हम लोग अपना तो देखते नहीं, दूसरे का पहले देख लेते हैं। आप जहाँ की आपकी सरकार है, जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ पे आप बिल्कुल नहीं देखते, आईना दिखाने का प्रयास पहले करते हैं। आप आईना दिखाइए, देखिए विपक्ष का काम आईना दिखाना, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन आईना दिखाने से पहले उस आईने के सामने स्वयं को भी खड़ा रहना चाहिए। आप ओबीसी एसटी एससी की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूँ लेटेस्ट के अंदर आपने 10 लोगों को राज्यसभा भेजा है, 10 लोगों के अंदर एक भी सदस्य ओबीसी एसटी एससी नहीं है। आप किसको आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? ये वास्तविकता है, कांग्रेस खत्म है 2022 के अंदर, तो वैसे भी खत्म है, 2024 के अंदर जो एक आपके सांसद चुने गए वो भी खत्म हो जाएगी, आपके क्या लगता है आम आदमी पार्टी ले लेगी? अरे भाई आप छोड़िए ना उसकी बात, क्यों छोड़े सर, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, हम भी उत्तर प्रदेश के जागरूक नागरिक हैं, हम भी आपसे सवाल कर सकते हैं ना। आप जिस प्रकार सवाल कर रहे हैं सत्ता पक्ष से, अगर मैं आपसे अगर सवाल कर रहा हूँ तो आप इतना झिझला क्यों रहे हैं? ये बताइए, खत्म कर दी, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बचा क्या है, बचा क्या बताइए जरा मुझे, बचा क्या है, बचा क्या है? दो विधायक जीते हैं, अपने दम से जीते हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी की वजह से जीते हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी में नहीं, आपकी तिलमिलाट दिख रही है बिल्कुल, असल में असहज हो गए, आपके पास सवालों के जवाब तो है नहीं, इसलिए तिलनाट भी दिख रही, असहज भी हो गए आप। जवाब केवल आपके पास है, बिल्कुल है जवाब, है ना, जवाब मैंने आपको दिया। मैं बोल रहा हूँ कि विपक्ष का फर्ज बनता है कि आईना दिखाए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आईना दिखाने से पहले स्वयं भी तो देखे। आप जो बार बार आईना दिखाने का प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आप अपने शासित सरकारों से क्यों नहीं पूछते वहाँ पे क्या चल रहा है? वहाँ पे आपको नहीं दिखता है? आप वहाँ बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं पूरा, आपकी सारी आंखें जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहीं पे खुलती है, आपकी सरकार जहाँ पे वहाँ पे आंखें नहीं खुलती। अरे वहाँ पे भी महाराज आके खोल लीजिए, वहाँ पे भी खोल लीजिए, वरना पता चला वहाँ से भी सरकार आपकी हो जाएगी, डब्बा गोल हो जाएगा आपका वहाँ पे भी। जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल होगा, मुझसे भी सवाल हुआ था, हमने भी बार बार जवाब दिया है। नहीं दे रहे हैं आप जवाब, अपनी बात रखिए, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे, जवाब देने की जगह आप तो मुझे भाजपा का प्रवक्ता बता रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, आप सवाल का जवाब भी कहाँ दे रहे हैं बताइए जरा। बेरोजगारी क्यों बढ़वा रहे हैं? तो वही तो सवाल मैंने भी आपसे पूछा कि जिस प्रकार आप डाटा 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 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, मजबूत विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष सवाल करे। छत्तीसगढ़ का डाटा दे दो भैया, राजस्थान का डाटा दे दो, पंजाब के अंदर का डाटा दे दो, पंजाब की जनता ने खदेड़ दिया आपको, डाटा डाटा की बात करते अपना भी तो डाटा दो, देश की जनता जानना चाहती है आपका डाटा कहाँ गया। ठीक है, आप डाटा मांगो, अपना डाटा मत दो, समय कम है प्लीज, समय कम है, समय कम। ठीक है अमित भाई, ठीक है, ठीक है, सत्ता में उससे पूछा जाएगा, ठीक ठीक है अमित भाई, सब पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे, ठीक है ठीक है अमित भाई, कुर्सी पे आप बैठे हैं, ईडी का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, सवाल कितना होगा? अरे वो भाजपा से नहीं है भाई, वो भाजपा से, वो कहीं से हो, तिल मिलाट, बिल्कुल सही, नितिन जी की जनता देख रही है आपके, तिल मिलाट कहीं से हो, लेकिन आज यह देश, आज यह देश के तमाम संस्थान दो ध्रुवों में बट गए हैं, ये उसी ध्रुव से आते हैं जिस ध्रुव का बचाव कर रहे हैं। नहीं, देश की जनता ये भी देख रही है कि आपने 10 राज्यसभा के अंदर से कितने एसटी ओबीसी की बात भेजे, आप ओबीसी एसटी एससी की बात करते हैं तो आपके पास कोई लीडर नहीं बचा था, ओबीसी लीडर नहीं है, एसटी एससी लीडर नहीं है, 10 के 10 सवर्ण कास्ट, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ सवर्ण कास्ट का, लेकिन जिस ओबीसी एसटी एससी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर एसटी एससी ओबीसी की बात कर रही थी, क्यों नहीं भेजा आपने, क्यों नहीं भेजा, ये बोल दीजिए ना, आपके पास ओबीसी एसटी से नेता ही नहीं बचा, बिल्कुल नेता नहीं बचा, आपके नेता है ही नहीं किसी काम रहा है, आप जाति आधारित बात कर रहे, आप जातिवादी व्यक्ति हैं, मैं जातिवादी नहीं, आप जातिवादी हैं, आप 2022 के चुनाव का कैंपेन देख रहे महाराज, अमित जी महाराज कैंपेन देख लीजिए, बाइट चली हुई है बहुत जगह, प्रियंका गांधी जी की बाइट देखिए भैया, कहीं गायब नहीं हुए, अभी मिलेंगे चैनलों पर, ठीक है ठीक है, अरे आप मिलिएगा मिलिएगा, मुद्दे के जो सवाल है, जो आधारभूत सवाल है उस पे बात करिए, सामने जो नहीं दे रहे मिलने में बोलेंगे, ठीक है ठीक है अमित भाई, समय कम है, समय कम है, समय कम, उन मुद्दों को अपने पॉकेट में, समय कम है प्लीज, समय कम है, अपने लड़ाई लड़ी है, पानी पी लीजिए, अमित भाई, अमित भाई, शाही साहब कह रहे पानी, अमित भाई शाही साहब कह रहे पानी, वो शाही जी गिलास है मेरे पास, मैं पी लूंगा पानी, चिंता मत करें, लेकिन सवाल ये है, अजय जी, अजय जी, ठीक है ठीक है अमित भाई, ठीक है ठीक है, सवाल होगा अमित भाई, आप पूर्वांचल से आते हैं जी, एक वहाँ फर्टिलाइजर कारखाना लगा है जी, उसको अगर आप पॉजिटिव देख लेंगे तो ये मानेंगे कि भाजपा कुछ कर रही है,
और करने दीजिए, ठीक है आपका काम है विरोध करना, मैं बताता हूँ आपको, विरोध करना आपका काम है, ठीक है। यूपीए के ही सरकार में देखिए तुरंत सब सही नहीं हो जाएगा, सारी व्यवस्था कराई गई। नहीं नहीं, आप लोग जैसे नोएडा और पूर्वांचल सब बांट रहे हैं, उसी पूर्वांचल से 21 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। नहीं नहीं, मुंडेरवा में बनी है भाई, मुंडेरवा का चला के और पिपराइच का चला के, और 19 को आपने तो वो तो चली ना, उसमें डाल दिया, मतलब प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए कि प्रयास हो रहा है, समय कम है अजय जी, पूरी कीजिए। ये वही प्रयास है जैसे सैमसंग पे किसी ने थोड़ी बहुत मेहनत करी थी स्टार्ट करने वाले, मेरा कहने का मतलब है ठीक बात है, ये आप दे रहे हैं लेकिन आज ये भी है, मैं ये बात मान रहा हूँ कि पूरी तरह से असफल नहीं है ये सरकार, लेकिन प्रयास करने दीजिए, प्रयास जारी है, प्रयास, अगर नोएडा में कोई काम हो रहा है तो गोरखपुर में भी काम हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजर जो दशकों से बंद था, दशकों से बंद था फर्टिलाइजर, आप वहां के रहने वाले हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए थे, मैंने देखा है कि उस कैंपस में इतने लोग बेरोजगार थे जिनको खाने के लाने पड़ गए थे, वो कैंपस आपने देखा होगा जो कि आपके पास में है बहुत, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, प्लीज समय कम है, समय कम, समय कुल मिला के जैसे ठीक है, देखिए दो दो ठीक है अमित भाई, हो गया प्लीज, आगे बात आ गई, बात समिट पे चर्चा हो रही थी, समिट पे तो जैसे वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, प्रयास असफल हो रहा है, ये मैं भी मानता हूँ कि असफल प्रयास हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी सफल होगा, प्रयास हो रहा है, ठीक है। अडानी को वर्ल्ड लेवल के टॉप 10 उद्योगपतियों में खड़ा करने में भी सफल हो गया सरकार, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लगातार प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जाए, निवेशकों को बढ़ाया जाए और उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि को और विस्तार दिया जा सके, ताकि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो अब दूसरे प्रदेशों की तरफ अपना रुख ना करे, उत्तर प्रदेश में ही उसको रोजगार मिल सके, और इसीलिए कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का ये तीसरा पार्ट जो है वो आयोजित होना है। फिलहाल इसके बाद रूपरेखा कितनी बदलेगी उत्तर प्रदेश की, ये भी देखना अहम होगा। आज के इस डिबेट में बताइए, मुझे दिन नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।